नटवर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आपने बुलाया, तो शुक्रिया। हाँ, मैं आपके इतने बिजी शेड्यूल और इतनी उम्र के बावजूद भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ चुरा लेने का लोभ जो है मैं स्मरण नहीं कर पाया, इसलिए आपको तंग किया। तो ये बताइए कि जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, क्योंकि आप तो विदेश नीति के और विदेशी मामलों के इतने बड़े जानकार हैं कि उसका कोई सानी नहीं है, तो अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर छोड़ दिया गया, उसके पीछे क्या आपको लगता है वजह? ये देखिए, जो इस वक्त जो स्थिति है वो बड़ी डामाडोल है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण लीडर इमरान खान है। अच्छा। आप चाहे उनकी नीति से सहमत हो या न सहमत हो जी। कि उनकी पॉपुलर अपील लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में बहुत अपील है, फ्रंटियर में, तो उनको जो गिरफ्तार कर लिया मगर उनको छोड़ना पड़ा। फिर दूसरी ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल में नहीं है। तो उन पर सर पीछे आरोप लगाया गया कि 60 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए करेंसी में उसका गबन किया, तोशा खाने से सामान निकाल लिया और भी तमाम तरह के उन पर आरोप लगे। आपको क्या लगता है उसके बावजूद पब्लिक इतना सपोर्ट क्यों कर रही है उनको? किसको? इमरान खान को। आने पर तो सबूत तो बताएं, कहीं कचहरी में आके कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहे कि ये रहे रुपए इन्होंने इतने बनाए। अगर माल प्रूफ करते हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि साहब ईमानदार हैं, कि ये तो उन्होंने सबूत दे दिया पर कोई सबूत तो आया नहीं है। सर एक शंका और है, ये कहा जाता है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो वहां की सेना और आईएसआई ने उनको बिठाया था, वो पॉलिटिकल मैंडेट से पूरी तरह अप्रूव होके नहीं आए थे। अगर अब सेना ने बिठाया है तो अब जो जो सपोर्ट हो रहा है उनके समर्थन में इतना हाहाकार हो रही थी, इसके पीछे कौन होगा? इसके पीछे भी कोई शक्ति होगी, उनके पास अपने पास तो बेस होगा नहीं फिर इसका मतलब। देखिए ऐसा है ना कि आज से नहीं, पिछले 60-70 साल से फौज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान के अंदर। कोई सरकार बने कौन सी ना बने, बगैर आर्मी के सपोर्ट के वो सरकार ज्यादा चल नहीं सकती। तो फौज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है पाकिस्तान की नेशनल स्टेट चलाने में जी। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है उसमें तो फौज इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान के खिलाफ है? हाँ, उनके खिलाफ ही है। हाँ तो देखिए, वो तो हालत बदलती रहती है पोलराइज़ में। उनको लाए तो फौजी लाई थी जी। नहीं, अब अगर मतलब इमरान खान के पीछे इतना सपोर्ट आ रहा है तो फौज तो नहीं हो सकती उनके पीछे। देखिए जो स्थिति रोजाना बदल रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल में जो प्रधानमंत्री है वो पूरे कंट्रोल में नहीं है। सर एक बात और है कि अभी ये जो पिछले 3-4 दिन से आगजनी और घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं, उसमें देखा गया है कि फौज के जो अफसर हैं या उनके ठिकाने, उस पर भी पब्लिक ने हमला कर दिया। यानी पब्लिक का हौसला इतना बढ़ गया है और फौज के कैंटोनमेंट पे हमला कर दिया, तो आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में वहां पर फौज का वर्चस्व या उसकी ताकत घटेगी? नहीं, वो तो ये तो एक वाक्य हुआ है, बाकी फौज बहुत पावरफुल है वहां, वो करेगी। मगर जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। सब जगह बलवा हो रहा है, सारे शहरों में हंगामा हो रहा है और वो इमरान का नाम लगाया जा रहा है, तो ये ठीक पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारी पड़ोस में ऐसे वाक्य होते हैं। तो सर एक बार बताइए, अब आगे आपके हिसाब से इमरान खान का क्या बनेगा और पाकिस्तान का जो डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल, वहां क्या बनने वाला है, क्या लगता है? जी जी, मैंने समझा नहीं। मतलब आने वाले दिनों में इमरान खान का क्या बन सकता है और पाकिस्तान का क्या बन सकता है? वो तो टुकड़े होने की स्थिति में भी कह रहे चला जा सकता है। देखिए इस वक्त मैं आपसे कहा ना कि हालत बहुत नाजुक है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान नेशन स्टेट रहेगा कि नहीं, और कौन हुकूमत करेगा, और हुकूमत ऐसी करेगा कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो, सरकार चले दो दिन की और लोग चैन और अमन से रहे। इस वक्त बलवा हो रहा है जी।
तो सर एक बार बताइए, वो इमरान खान ने पीछे आरोप लगाया था कि ये उसको जहर भी दे सकते हैं, जी उसको पॉइजन भी दिया जा सकता है, इमरान खान ने ये भी आरोप लगाया था। हाँ नहीं, बड़ी गलत आरोप है कोई, उसके नतीजे तो आप समझ सकते हैं क्या होंगे। नहीं, आपको लगता है सब संभव है, उनको हटाया जा सकता रस्ते से? नहीं मुझे नहीं लगता संभव है। अच्छा, इस सब जो का जो उससे उससे नहीं उस मैंने आपसे कहा ना कि बलवा हो जाएगा पाकिस्तान में अगर उनको साथ ऐसा किया गया तो। सर, एक बात लास्ट पूछना चाहूंगा, इस सब का भारत पे कोई असर पड़ता दिख रहा है आपको? जी इन सब घटनाओं का भारत पर कोई असर पड़ता दिख रहा है आपको? हाँ नहीं, हमारे पड़ोसी देश में अगर वहाँ अमन और शांति ना हो और इस तरह के वाक्य होते हैं तो हमारे लिए अच्छा थोड़ा ही कोई, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी, तो सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। तो ये थे के नटवर सिंह जी, जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री, और दुनिया भर में इनकी जो रेपुटेशन है वो विदेश नीति और विदेशी मामलों पर एक्सपर्ट की है। 4 दिन बाद ही, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 94 साल के नटवर सिंह जी हो जाएंगे, और उनकी हिम्मत देखिए कि इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं और हमें समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।